अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज जो है सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और उसके मैंने जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। तो बनाते हैं ब्लॉग, तो देखते हैं आज पूरे दिन कैसा गुजरता है। तो हाँ, अभी मैं सुबह ही उठी और उठ के मैंने जो तमाशा देखा जो है धुले हुए कपड़ों की शर्ट डाल दी कि ताकि मम्मा उठ के देखे। मैंने उठ के मैंने कहा सुना है मेरा मम्मा चीजी चीजी क्या हुआ, मम्मा चीजी चीजी। मैंने कहा नहीं चीजी चीजी नाश्ता करेंगे तो मैं आपके लिए अंडा बनाती हूँ। तो कह रहे मेरे लिए मम्मा अंडा नहीं खाना। मैंने कहा क्यों? कह रहा है इससे क्या कहते हैं अंडा टूट गया। मैं कहा अंडा टूट गया कैसे? टूटा कहाँ टूटा? यही टूटा बस। मैंने देखा और मेरे फराने के बिल्कुल बराबर में बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने उसे कुछ कहा नहीं है। पर गुस्सा बहुत आ रहा था और हंसी भी आ रही थी कि देखो इस बच्चे का दिमाग, देखो अंदर डाल के तोड़ के और उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया है कि मम्मा देखे नहीं। तो ये हुआ है आज सुबह ही सुबह मेरे साथ नई कारस्तानी और इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि अब जो है कमरे में स्मेल आ जाएगी। कितना भी सड़क को लगा लो आपको पता है अंडे की स्मेल आ जाती है। क्या चलिए जी, आ गए हम लोग नाश्ता करने के लिए और एक साइड से पराठा देख ले आप कितना जल चुका है। जब बच्चे वाले घर हो ना तो इस तरह का तो होता ही होता है। तो ये जो पराठा है ये वाला जो है वो मैं इनको खिला रही हूँ साइड ही साइड और जला हुआ खुद खा रही हूँ। क्या करूँ, ये लोग खाएंगे भी नहीं, बोलेंगे मम्मा कड़वा है इसलिए। तो इसलिए इनको चाय के साथ पराठा खिला रही हूँ। और माँ में वही नहीं खिलाया जाता, माएँ बोलती है हम जला हुआ खा लें, हमारे बच्चे जो है वो अच्छा खाए। अच्छे मैं मिला का स्टाइल दिखा रही थी बैठने का, भाई कितना भी सीधा करके बिठा लूँ ऐसी ही बैठती हैं। तो चलिए बस, आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है तो चलिए डिसाइड करते हैं क्या क्या पकाना है। तो हाँ, डिसाइड करके मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, दोपहर के बज रहे हैं, दोपहर के नहीं सॉरी शाम के बज रहे हैं 4:05 और लाइट गई हुई है यहाँ पे। और मैं जो है आ गई हूँ किचन में, अब नज़र आ रहा है रोशनी पड़ रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आपको शोर बहुत मिल रहा होगा तोतों का। तो ये देखें, तीन तीन पिंजरे लटका दिए किचन में और इतना शोर करते हैं ये लोग। तो चलिए वो बातें बाद में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी कढ़ी, और कढ़ी मेरा ख्याल से 4 साल में मैं ये दूसरी दफ़ा बनाऊँगी। पकी है कढ़ी दोबारा, मगर मैंने नहीं बनाई है और मेरे चैनल पर रेसिपी भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। इनका शोर भी सुने आप, मेरा शोर भी सुने, और पीछे बिल्लू रो रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बहुत ही ईजी सी आसान सी रेसिपी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कढ़ी की, और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। और काफ़ी सारी बना रही हूँ मैं क्योंकि ससुराल वगैरह, अब ससुराल में ही भेजूँगी, मायके में ही भेजूँगी। वजह यह है कि क्योंकि कढ़ी बनती है सालों में एक बार, तो इस वजह से मतलब महीनों में सालों में बनती है। कभी फ़ायदा बना लेती है, कभी मैं बनाती हूँ, कभी जो है इसे क्या कहते हैं भाभी बना लेती हैं। तो ये होता है कि हम एक दूसरे के यहाँ भेज देते हैं। वैसे तो बिरयानियाँ और ये निहारियाँ शिहारियाँ तो बनती रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभार बनती है। हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत कम बनती है, जैसे करेले वगैरह हो गए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ बनाता है तो एक दूसरे के यहाँ भेज देता है। तो बस मैंने भी ले ली है जो है वो, मैंने सोच लिया था कि कल रात को ही आई है हमारे यहाँ गैस, तो मैंने कहा मैंने इतने अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि गैस आए तो कढ़ी बनाऊँगी। तो भाई गैस आ गई तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं हम कढ़ी। तो कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल आसान तरीका होगा, बिल्कुल जल्दी से तैयार होने वाली होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि कढ़ी कैसी बनी थी और मेरे स्टाइल से ही बनाइएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैंने ले लिए थे 8 से 10 चमचे भरे हुए बेसन के और उसको मैंने अच्छी तरीके से भुनना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस था इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो लगा दी थी और जल्दी से मैंने उसको भून लिया था। अच्छा, भूनने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों भुना जाता है? इसलिए भुना जाता है ताकि आपकी कढ़ी जो है जल्दी पक जाए, क्योंकि असल काम सारा बेसन को पकाना ही होता है, ठीक है? अगर आपने उसे भून लिया होगा तो आपकी कढ़ी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो के करीब दही लिया था, उसमें मैंने
डाल दिया नमक मिर्च और हल्दी और बस, और कुटी हुई मिर्चें डाली थी हाँ। और फिर मैंने दही के अंदर डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से फेंटा लगाया, अच्छी तरीके से फेंटना है आपने, फेंटा लगाया कह रही हूँ फेंटना है आपने, फेंटा लगाया भी बोलते हैं वो पंजाबी का लफ्ज़ है थोड़ा तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से हमने इसको फेंट दिया है, और जो है फेंटने के बाद अभी मैं यहाँ पर मेरा को भी सुला रही हूँ और वॉइस रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोग तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, जो आपने बेसन भुना होगा उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो फिर मैंने इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया था पानी, अच्छी तरीके से पानी आपने ऐड करना है और घुलते रहना है, गुटले नहीं बनने चाहिए किसी भी चीज़ में। बस कढ़ी का इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि कढ़ी में गुटला एक दफ़ा किसी भी चीज़ का बन गया ना तो फिर वो जो है एंड तक ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर हरी मिर्च और जो है प्याज काट के डाले थे। अच्छा, बहुत मज़े का लगता है जब ये प्याज और हरी मिर्च मुँह में आती है ना। कच्ची कढ़ी का भी आप खा के देखिएगा, कच्ची कच्ची जब पक रही होती है आप खाइएगा, और ये प्याज और ये हरी मिर्च मुँह में आती है ना तो बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था बेसन, और बेसन ये भुना हुआ है तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपने ठंडा करके जो है बेसन इसके अंदर डालना है और अच्छी तरीके से फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने कोई भी बर्तन ले लेना है बड़ा सा, जिसमें आपने कढ़ी बनानी है, ज़्यादा बनानी है, कम बनानी है। अच्छा, हमारे यहाँ कढ़ी हमेशा ज़्यादा बनती है क्योंकि आप लोगों को मैंने वो बता ही दिया था, ये सॉरी मैं दोबारा से वो बात शुरू करने वाली थी। अच्छा, तो अच्छी तरीके से आपने इसको फेंट लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपने कोई भी बर्तन लेना है उसके अंदर आपने इसको चढ़ा। अच्छा, गुजरातियों में ना बहुत पतली कढ़ी बनती है उनके, मतलब जो गुजरातियों की कढ़ी होती है ना उसके अंदर पकौड़े वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो बिल्कुल पतली पानी की कढ़ी होती है, जैसे खौसे की कढ़ी होती है ना, खौसे की कढ़ी अगर आप लोगों ने खाई हो कभी तो बिल्कुल पतली पतली सी होती है, तो खौसे की कढ़ी जिस तरह पकती है इस तरह की वो गुजराती कढ़ी पकती है। और उसको लाल दाल और चावल के लाल चावल और ग्रीन दाल के साथ जो है वो खाया जाता है, वो बहुत मज़े का होता है। किसी दिन मैं अपने घर पे अगर मम्मा के यहाँ गई और मम्मा के यहाँ पकी हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे आ गई थी किचन में लाइट, तो मैंने कहा अब आसानी हो जाएगी वीडियो बनाने में, बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था अंधेरा अंधेरा सा, तो अब लाइट आ गई थी तो फिर मैंने कहा चलो जी अब स्टार्ट कर देते हैं जो है कढ़ी का। जो मैंने बिल्कुल सारा बैटर वैटर जो भी बना के रखा हुआ था, मैंने पतीला ले लिया एक और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अब ये कढ़ी का सारा जो मैंने अमीजा बनाया हुआ था वो। आपको जितना पानी डालना है, जितनी आप पकाना चाहते हैं कि आपके चूल्हे पे ये पकती रहे, क्योंकि मेरा काम जो है, मेरी गैस अभी भी जो है गैस आ चुकी थी हालाँकि, पर गैस बहुत कम आ रही थी। तो अब मैंने इसके अंदर जो है मैंने कढ़ी चढ़ा दी, मैंने कहा हाथ के हाथ में पकौड़े भी बना लेती हूँ। पकौड़ों के लिए मैंने ले लिया था आधा किलो के करीब बेसन, और बेसन के अंदर मैंने डाल दिया था पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और जो है वो कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। यहाँ बार बार मिठा रो रही है, उसको भी देखना पड़ रहा है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया था हरी मिर्चें ले ली थी और प्याज एक रखी हुई थी एक्स्ट्रा, तो वो भी मैंने काट के डाल दी। आपकी मर्ज़ी, आपने जो डालना है आप डालें, पालक डालें, आलू डालें, आपकी मर्ज़ी, आपके पकौड़े आपको जैसे चाय बनाना चाहते हैं आप बनाएं। तो मुझे बिल्कुल सिंपल से सादे से पकौड़े अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने सादे से ही बनाए थे क्योंकि कढ़ी में ना, और हाँ मैंने इसमें सोडा भी डाला था, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, पर मैंने सोडा इसलिए डाला था क्योंकि पकौड़ा कढ़ी का हमेशा फूला हुआ अच्छा लगता है, वो बिल्कुल भी वो सख्त सख्त से पकौड़े बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो चलिए जी, बिरहा की फिर से ठीठी शुरू हो गई थी और उनको पानी पीना था, तो जान बूझ के मुझसे पानी मांग के था कि मैं पानी लेने जाऊं और ये उठ के मेरे पीछे पीछे आ जाए। अच्छा, मैं पानी लेने गई, पानी लेकर आई हूँ और हंस रही थी। तो चलिए वो बातें बाद में। तो यहाँ पर जो है कढ़ी पकना स्टार्ट हो गई थी, मैंने इसमें सोडा भी डाल दिया था और मैं अब बनाने स्टार्ट करने लगी थी पकौड़े। मैंने कहा जब तक बन रही है कढ़ी तो पकौड़ों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं फ्राई, और पकौड़े जो है हमारे जब तक फ्राई होंगे और हमारी कढ़ी भी पक चुकी होगी इंशाल्लाह। तो बस पकौड़े को ज़्यादा ही आज जो है मैंने बना लिए थे। अच्छा, मज़ा भी यही आता है कि पकौड़े जो है आपके हर निवाले में आपके पकौड़ा आए। अच्छा, और मैंने बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के बनाए थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए थे, छोटे साइज़ के इसलिए बनाए थे ताकि जो है वो हर निवाले में, मतलब कि हर किसी के हिस्से में पकौड़ा जो है वो बार बार आए, वरना फिर बड़े बना दो ना तो फिर एक ही पकौड़ा एक ही प्लेट में आता है, इस वजह से मैंने
मैंने छोटे छोटे बनाए थे। अच्छा वो वाला चूल्हा इतना हल्का जल रहा था, मैंने इस वाले चूल्हे पे इसको ट्रांसफर किया। मैंने कहा जल्दी जल्दी पकौड़े बने, इतनी देर से डाल के बनाई जा रही थी। यहाँ पे मेरे जो है पकौड़े हो गए रेडी और यहाँ वहाँ पे हमारी कढ़ी भी हो गई है बिल्कुल रेडी। चले मैं आपको फाइनली शक्ल दिखाऊँ कढ़ी की, अभी भी और पकेगी थोड़ी, मुझे ये कम जो है वो लग रही थी कि ऐसे क्या कहते हैं कम है, गाढ़ापन अभी और इसमें आ जाएगा जब तक मैं इसका तैयार कर लेती हूँ तड़का। अभी मैंने दोबारा इसको जो है वो पकने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से दोबारा से पक गई है। तो बस अब ये बिल्कुल इस टाइम पे रेडी है पकौड़े डलने के लिए। बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे जो जितने भी मैंने इसके सारे पकौड़े बनाए ना उस सारे इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको नहला देना है पकौड़ों को। ये सारे जो है ना डुबकियाँ मार के पकौड़े जो है ना कड़ी को जो है ना वो चूस लेंगे और जो है ना सारी कड़ी ये पी जाएंगे। अब इतनी भी नहीं पी जाएंगे, बस इतनी पी जाएंगे कि जितनी इनको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था प्याज और मैंने यहाँ ले ली थी ज़ीरा, गोल मिर्ची, कड़ी पत्ता और अच्छे से इसका बना दिया था मैंने तड़का और इसमें डाल दिया था एंड में लाल मिर्ची। लाल मिर्ची लाजमी डाला करें, थोड़ी रंगत अच्छी आती है इस वजह से, वरना इससे कोई एंड में डालने से कोई मिर्ची तेज़ वेज़ नहीं होती हैं, बस इसका जो है एक अच्छा सा कलर आ जाता है। तो बस कड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कड़ी किस तरह की लगी। शक्ल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कड़ी किस तरह की है किस तरह की नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।